Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivin, and today we're going to talk about modern history strategy. You can finish modern history through one source in only seven days if you do it right. And that one source is, of course, spectrum. So why are we going for spectrum? Everyone is reading it. So if everyone is reading it and there are questions from this book in the actual exam, and you get these questions wrong.

पहला क्वेश्चन आएगा कि चैप्टर्स जो हैं स्पेक्ट्रम के उसको पढ़ने का क्या ऑर्डर होना चाहिए और क्या प्रायोरिटाइजेशन होनी चाहिए क्या सारे चैप्टर्स इक्वली बराबर हैं नहीं देन आई शो यू लाइव कि मैंने कैसे अपनी बुक पढ़ रखी थी आई एल शो यू माई बुक एंड माई नोट्स एक्सेट्रा देन आई शो यू हाउ टू रिवाइज फॉर फिल्म ठीक है क्या तरीका होना चाहिए फिल्म्स के लिए रिवाइज करने का ताकि मोस्ट इफेक्टिवली यू कैन गो फॉर द क्वेश्चन एंड देन आई शो यू दीन्स रिविजन ऑल राइट सो फर्स्ट दी ऑर्डर ऑफ द चैप्टर्स देखो कभी भी चैप्टर वन से स्टार्ट मत करना चैप्टर वन इज द चैप्टर ऑनसेज ऑफ हिस्ट्री ये सब दिस यू कैन इवन स्किप ठीक है आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम द स्टोरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एंड दिस विल स्टार्ट फ्रॉम सिविल एंड ट्राइबल रेबेलियंस ठीक है यू स्टार्ट फ्राम ह्यर इस यू विल गेट टू नो अब सिविलियंस द ट्राइबलियंस प्रेजेंट रेबेलियंस द आर्म फोर्सियंस ऑल ऑफ दिम बिफोर एटीन फिफ्टी सेवन Then after that you go and read the revolt of 1857 and social religious reforms. After that go for early nationalism in India and from there like a story you can read till independence of India. could connected events one after the other they will be happening. So this is the first phase where you have to read story of independence from let's say civil tribal revolts to when India becomes independent. Then you are supposed to read the chapters that are given after India's independence. जैसे कि वॉट चेंजेस टू द ब्रिटिश मेक टू द लीगल सेटिंग्स ऑफ इंडिया राइट वॉट लीगल रिफॉर्म्स दे इंट्रोड्यूस जुडिशल रिफॉर्म्स मीडिया चेंजेस एजुकेशन में वॉट ये काफी इंडिपेंडेंस जॉब इज डन बिफोर एटीन फिफ्टी सेवन का revolt, ये जो सिविल ट्राइबल रिवेलियंस के पहले के जो चैप्टर हैं इसमें कुछ चीजें दी हुई हैं फॉल ऑफ मुगल एम्पायर

प्लीज़ ये सब मत पढ़ना ठीक है जस्ट रीड टिल इंडियन इंडिपेंडेंस रीड दीज चैप्टर्स अबाउट मीडिया रिफॉर्म्स एजुकेशन एक्सेट्रा एंड देन रीड बिफोर 1857 जो जो हुआ था पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ओके okay, तो ये तो ऑर्डर हो गया है ना वॉट इज द प्रायोरिटी देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है ना वो ब्रिटिश पॉलिसीज से आते हैं कि वॉट लीगल रिफॉर्म्स दे मेड जुडिशल चेंजेस क्या किए मीडिया में चेंजेस क्या किए एजुकेशनल चेंजेस क्या किए ठीक है इसमें जो लीगल चेंजेस है ना दैट यू हैव टू डू विद लक्ष्मीकांत किन चीजों की बात कर रहा हूं मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 1935 है ना क्या क्या एक्ट थे पिट्स इंडिया एक्ट इन सब में मतलब बेसिकली क्या प्रोविजन थे ये जो पॉलिसीज हैं इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं और अगर आप नोटिस करोगे तो लक्ष्मीकांत के चैप्टर वन में भी या चैप्टर टू में ये चीजें दी हुई हैं कि ब्रिटिश क्या थी तो जब आप

एंड ये भी सिविल ट्राइबल रिवेलियंस भी बहुत सारे हैं बट इनसे क्वेश्चन आते हैं स्टोरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ये क्या है मैं आपको बता चुका हूँ यू हैव टू रीड द कॉन्ट्रीब्यूशन फाइटर्स ये इंपॉर्टेंट है ये बुक किसने लिखी ये कमिटी किसने बनाई है ना ये रिवोल्ट किसने लीड किया दीज थिंग इम्पॉर्टेंट दीज एसोसिएशन दर दिए हम फॉर्म जैसे फॉर एग्जाम्पल रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक लास्ट ईयर पार्टी तो इस टाइप के दे आर इम्पॉर्टेंट देन बुक्स

अब ये जो मैं आपको बात बता रहा था कि जो एक्ट्स हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की आपको लक्ष्मीकांत के साथ पढ़नी है मैं आपको दिखाता हूँ जैसे ये स्पेक्ट्रम है राइट वेन यू आर रीडिंग दिस इज मोन्टा रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइनटीन एंड दिस इज माई स्पेक्ट्रम ऑफकोर्स आई हैव रेड इट डिजिटली तो मैं यहाँ से पढ़ रहा था एंड लाइक यहाँ पे खत्म हो गई एक्ट ठीक है तो देन आई इंसर्टेड दी पेज फ्रॉम लक्ष्मीकांत ये लक्ष्मीकांत का पेज है इसमें भी देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइनटीन है तो कुछ फीचर्स जो हैं इसके वो स्पेक्ट्रम में मैंशन होंगे और कुछ फीचर्स जो हैं वो आपके लक्ष्मीकांत में मैंशनड होंगे बट यूपीएससी तो ऐसे नहीं पढ़ता वो हो सकता है यहां से पूछ ले लक्ष्मीकांत का फीचर कोई पूछ ले या स्पेक्ट्रम का पूछ ले राइट एंड देन यू कैन कॉल इट अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री बट द थिंग इज वी नीड टू नो द कॉन्सेप्ट तो मैंने क्या किया आई पुट दिस पेजेस टुगेदर लाइक यहाँ स्पेक्ट्रम खत्म होके आई पुट दिस पेज आफ्टर दैट

I will show you how I have read this chapter. Okay. Okay. So this is Revolt of 1857. Yahan se start hua. Hai, first page, pe not a lot of information. First time I read Karunga, I will not highlight anything. I will just read word by word. In the second uh, reading, this is one chapter. Kara, like I started reading 1857. I started from here. I finished till the end of the chapter. In the second reading, I will do immediately after that. Then again, I will start from the beginning of the chapter and then I will highlight important things.

राइट right. तो so, अगर आपने ये लाइन पढ़ी हुई थी तो आपको एक आइडिया हो जाता कि उस क्वेश्चन में सिविल ट्राइबल रिवेलियंस बस थोड़े बहुत लिख दो काम बन जाएगा राइट तो देन जैसे मैं अब आगे पढ़ रहा हूं तो पे, यहाँ पे आ रहा है मेजर कॉजेज नाउ आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड मस्ट बी सम इकोनॉमिक कॉज सम समिनिस्ट्रेटिव कॉज सम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज एक्सेट्रा तो इकोनॉमिक कॉज में अब मैं येलो हाईलाइटर से हाईलाइट कर लिया बिकॉज ए इट इज मोस्टली इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स है ना क्योंकि कॉजे तो मीनस में पूछ सकते हैं बाकी यू कैन गैस ऑल्सो एंड साइड में आई यूज टू राइड की वर्ड

गोइंग फॉरवर्ड एंड रीडिंग द टॉपिक्स एंड जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा ओनली दोंगल हाईलाइट येलो हाईलाइटर आल यूज फॉर मीन्स एंड ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप प्रिंटेड uh, वाली स्पेक्ट्रम पढ़ते हो उसमें साइड में उतनी स्पेस नहीं होती नई चीजें लिखने की बट यहाँ पर बहुत स्पेस है राइट यू कैन राइट न्यू थिंग्स ऑन द साइट एंड वंस यू राइट न्यू थिंग्स ऑन द साइट जैसे यहाँ पे जमींदार पे को वॉरंटो यूज करके दे वर डिप्राइड ऑफ द लैंस अब यहाँ पे को वॉरंटो मैंने क्यों हाईलाइट किया है बिकॉज दिस हेल्प्स मी रिवाइज को वन टू पॉलिटी राइट को वो इज रेट ये फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में दिया हुआ है ना तो यू कैन यू कैन लाइक मेक कॉन्सोनेंस बिटवीन पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री बाय टेकिंग लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम टुगेदर, राइट उसके बाद ऑफकोर्स दे आर सम पोलिटिकल कॉजेस वो भी अगेन दे हैव टू बी आई गॉन फॉर येलो हाईलाइटर बट दे आर सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्सर

right again written on the side because was important tha in terms of how the people in the bengal army would have to serve anywhere and crossing the sea meant loss of caste in earlier hindu uh, tradition right so this is how you can read it first time you read it without highlighting without changing anything second time you highlight and you write the important things on the side and third time when you are revising you can just write the things on the side just say a small map hai. नॉर्थ में द रिवोल्ट वॉज स्प्रेड टिल पंजाब वेस्ट में टिल द राजपुताना द सेंटर ईस्ट में टिल बिहार एंड साउथ में नर्मदा तो उसके बाद ठीक है पॉइंट मेकिंगसली कुछ पाथ्स एम सी की उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि कानपुर में नाना साहब थे बेगम हज़रत महल वॉज इन लखनऊ तो ये पाथ्स मैंने ग्रीन हाईलाइटर से किए हुए हैं सो दैट आई पे मोर अटेंशन टू दैम राइट All right. उसके बाद क्या होगा दे विल भी सम ओपिनियन एटेड थिंग जैसे ये तो रीजन है ओपिनियंस कहाँ पे हैं ओपिनियंस आएंगे कि जैसे वॉज दिस द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ये नेचर ऑफ द रिट राइट फॉर दिस इज फॉर मीन्स एंड दिस आई यूज टू लाइक राइट इन अ पर्टिकुलर नोटबुक अलग से बिकॉज आई थिंक दीज आर दिंग्स दे कैन आस्कू इन द मीन्स V.D. Savakar Ji has called it a war of independence, but Arsni Majumdar says it is neither the first nor national, nor a war of independence, right? So this opinion based questions can be asked in mains. So this I used to study separately, right? right. And just like Jawaharlal Nehru Ji discovery of India and what did MN Roy write about it? So these nature based questions and these are very unlikely in the prelims, but they are very likely in the mains exam. All right. Okay. तो वंस यू फिनिश द चैप्टर लाइक दिस इज अगेन कॉन्सिक्वेंसिस एक्सेट्रा हाँ यहाँ पे एक और चीज दिखाना चाहता हूँ इसमें वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसिसमेशन एन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एटीन फिफ्टी एट राइट अब ऑब्वियसली ये चीज़ लक्ष्मीकांत में भी दी हुई है सो इन माई स्पेक्ट्रम आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लक्ष्मीकांत राइट बिकॉज इसके फीचर्स लक्ष्मीकांत में भी दिए हैं और इस बुक में भी दिए हैं एंड आई वॉन्टेड टू स्टडी ऑल ऑफ दैट इन अंगल प्लेस ऑल राइट ओके नाओ जैसे वाइट म्यूटनी है इस पर कई बार टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगेन आई है थिंग्स ऑन द साइड और जब मैं फाइनली रिवाइज कर रहा हूँ साइड साइड से पढ़ के काम हो जाएगा ऑल राइट नाउ एंड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है समरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन स्पेक्ट्रम इन्स्पेक्टर मैं बेस्ट फीचर्स अगर आप यहाँ से पढ़ने लगोगे ना आपको ये एक्चुअली इट इज अ वेरी वेरी वेल मेड समरी और इससे आप पूरा मीन्स का भी रिविजन कर सकते हो राइट right? तो दिस वॉज बेसिकलीमोन्स्ट्रेशन एंड हाउ आई हैव मैनेज माई स्पेक्ट्रम आई वुड वुकमेंड यू डू इट डिजिटली अगर डिजिटली नहीं कर सकते हो एंड यू प्रेफर रीडिंग इट ऑन अ बुक आई वुड वु रेकमेंड कि आप साइड पे लिखने के लिए कुछ अरेंजमेंट करो लाइक यू कैन गेट इट प्रिंटेड और यू कैन राइट विद पेज नंबर सेपरेट नोटबुक अब बात आती है कि फिल्म की अगर हमें रिविजन करनी है स्पेक्ट्रम की तो हम कैसे करेंगे देखो सबसे बड़ी बात है एक्टिव रिकॉल फ्रॉम इंडेक्स दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी अभी हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 फिफ्टी सेवन पढ़ा है ये इंडेक्स है देखो सबसे पहले क्या था सबसे पहले देवर्स इकोनॉमिक काजेस पोलिटिकल काजेज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज सोशो रिलीजियस कॉजेज इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स एंड डिसकंटेंट अमंग अमंगज अब आप जब पढ़ रहे हो हाउ डू यू डू एक्टिव रिकॉल आप सोचो कि अच्छा अच्छे क्या क्या इकोनॉमिक कॉजेज रहे थे ठीक है जस्ट ट्राई एंड रिमेंबर हमने पढ़ा था कि तीन लोगों के साथ तो कुछ खराब हुआ था बट मर्चेंट्स के साथ समथिंग गुड हैड हैपेंड राइट हैप्पी अनहैप्पी साथी अनहैप्पी एंड जमीनदार अनहैप्पी तो ऐसे आपका मीन्स भी रिवाइज हो रहा है एंड ऐसे आपका प्रिलिम्स भी रिवाइज हो रहा है देन अगेन बाय द रिवोल्ट फील्ड यू कैन गो फॉर टॉपिक्स अच्छा बताओ ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वॉज एबसेंट क्यों भाई लिमिट्स हमने डिफाइन करी थी ना वो नॉर्थ में यहाँ तक वेस्ट में यहाँ तक ईस्ट में यहाँ तक साउथ में यहाँ तक तो दिस वे यू कैन डू एक्टिव रीकॉल राइट एंड देखो इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ होता है इवन द लास्ट बॉक्सिंग टू वो भी इसमें हैून्य आई एस की एक बुक आती है स्पेक्ट्रम एमसीक्यूज की वेरी डिसेंटली मेड एमसी से एमसीक्यूज कर लो आपका डिसेंट प्रेपरेशन हो जाएगा देन यू गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड फाइनली आफ्टर दैट जस्ट वन और टू टेस्ट शुड बी इनफ वैसे इवन दीज थ्री थिंग्स आर मोर देन इनफ रिवि well well करनी है पहले हमें समझना है कि में हो क्या रहेन इन हिस्ट्री ठीक है पीवाई क्यूज काफी रिपीट होते हैं एंड आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग चेक होती है कि आपको नेचर या एनालिसिस पता है इट्स नॉट इवेंट्स आर नॉट आस्ट डायरेक्टली बट एनालिसिस इज आस्ट एंड इज वॉटीन फिफ्टी सेवन में जो नेचर वाला पार्ट दिया हुआ थार आर सम बुक जो मेन्स के लिए इम्पोर्टेंट है एंड देन देर आर समरी पेजेस जब मेन्स में लास्ट का टाइम होता है तो ये सब याद करने में बहुत मुश्किल होता है बिकॉज बहुत और चीज़ें होती हैं तो लास्ट में समरी पेजेस पढ़ के चले जाते हैं तो पूरी बुक अच्छे से रिवाइज हो जाती है तो मैंने तो ऐसा कुछ बनाया था अपने समरी पेजेस का फॉर द मीन्स राइट लाइक आई पुट द स्क्रीनशॉट ऑफ द समरी पेज एट द सेंटर ऑफ अ डिजिटल पेज जैसे यहाँ पे रखा है एंड वट एवर थिंग्बर्ड आई स्टार्ट राइटिंग दिस इज आई थिंक दैट चैप्टर ऑन फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ठीक है तो इसमें जो जो चीजें मुझे साथ में उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लगी आई रोट एंड आई मेड ऐसे के अबाउट पेजेस के मेरे नोट्स बन गए थे स्पेक्ट्रम के समरीज के एंड दैट्स ओनली थिंग आई रिवाइज इन दी एंड फॉर मीन्स तो आप ऐसे अपने बना सकते हो मेंस के लिए सो जस्ट दिस बुक फॉलो इट वेल एंड दिस विल गिव यू डीसेंट रिवॉर्ड्स इन बोथ एंड द मेंस राइट सो आई होप दिस वीडियो हेल्प थैंक यू फॉर वॉचिंग सी सी इन द नेक्स्ट वन